चौथा रिकॉर्ड भाइयों बहनों बनेगा कि जितने श्रद्धालु प्रयागराज कुंभ में आए थे उतने ही श्रद्धालुओं के नाम पर एक एक वृक्ष आज प्रदेश के अंदर लगेगा और जिसमें 21 करोड़ वृक्षारोपण का कार्यक्रम अब तक संपन्न हो चुका है। देर सायकाल तक 75 जनपदों के सभी 823 विकास खंडों में, सभी 60,000 ग्राम पंचायतों में, 12,000 वार्डों में जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है, ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम सायकाल तक 24 करोड़ का लक्ष्य प्राप्त करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में नर्सरी है। हमने पौध वितरण की व्यवस्था स्वरूप में की है और प्रदेश के नाम पर एक दिन में 4 रिकॉर्ड बनाने के लिए जिन अधिकारियों ने, जिन कर्मचारियों ने, जिन स्वयंसेवी संगठनों ने, सामाजिक संगठन ने हमारी पूरी टीम का सहयोग किया है, जिसमें वन मंत्री है, मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगीगण है, माननीय जनप्रतिनिधिगण है, प्रशासनिक और वन विभाग से जुड़े हुए अधिकारीगण है, इस पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि पर्यावरण के बारे में जो एक सोच हमारी ऋषि परंपरा ने इस देश को दी है उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का अवसर है। आज जब हम लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन की 77वीं वर्षगांठ के अवसर पर वृक्षारोपण के इस महाकुंभ में सहभागी बनकर के इस पूरे आयोजन को सफलतापूर्वक एक नई ऊंचाइयों तक हम पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, सचमुच प्रयागराज ने साबित किया है कि आयोजन बहुत बड़ा कैसे हो सकता है, दुनिया के विराट आयोजन कैसे हो सकते हैं। और इसलिए मुझे लगा कि प्रयागराज में वृक्षारोपण महाकुंभ का रिकॉर्ड बनना चाहिए और इसके लिए मुझे भी सौभाग्य ऐसी बहाने मिल जाए तो मैं भी प्रयागराज जरूर जाऊंगा और इसीलिए आज आपके बीच में मैं यहां पर आया हूं। मैंने आपकी ताकत को, आपकी प्रतिभा को, आपकी स्फूर्ति को और आपके आतिथ्य को प्रयागराज कुंभ के दौरान लगभग 48-49 दिनों तक देखा। वास्तव में प्रयागराज ने और यहाँ के निवासियों ने, प्रयागराज वासियों ने कुंभ के आयोजन को, हमारी टीम को जो सहयोग दिया था, उस टीम का परिणाम रहा कि प्रयागराज का पूरा कायाकल्प हो गया। प्रयागराज के सड़कों का चौड़ीकरण, यहाँ पे फ्लाईओवर का बनना, अंडरपास का बन जाना, चौराहों का सुंदरीकरण हो जाना, मेला क्षेत्र का विस्तार हो जाना, यहाँ पर प्रयागराज के अंदर यहाँ की पुरातन काया को बनाए रखते हुए आधुनिक प्रयागराज की स्थापना के लिए जो एक सकारात्मक सहयोग आप सबका था, उसका परिणाम रहा कि मानवता के सबसे बड़े समागम, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आयोजन, जिसे यूनेस्को ने भी मानवता के एक अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी थी, उस प्रयागराज कुंभ को दुनिया के अंदर कई रिकॉर्ड के रूप में स्थापित करने का सौभाग्य हमारी सरकार को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमें प्राप्त हुआ। 24 करोड़ श्रद्धालु हैं, स्वच्छता का एक नया संदेश कुंभ दे जाए, सुरक्षा का एक नया संदेश देके चला जाए, सुव्यवस्था का एक नया संदेश देकर के चला जाए और साथ साथ अनेक मानकों को दुनिया के सामने रख दे, जिसको प्राप्त करने के लिए अन्यों को एड़ी चोटी लगानी पड़े, वह केवल प्रयागराज की धरती पर ही संभव है। और इसलिए संभव है क्योंकि आपका जो सकारात्मक सहयोग इस पूरी टीम को प्राप्त होता रहा, पूरी टीम को प्राप्त होता रहा। हम लोग तो दूर से एक केवल इस पूरी घटनाक्रम को देखने वाले दर्शकों में एक थे। हम लोग देखते थे कि भाई क्या बात है, कहीं कोई बात तो ना हो, लेकिन जिस तरीके से स्फूर्त भाव के साथ पूरा प्रयागराज इस कार्यक्रम का साक्षी बनाया था,
और पूरे देश और पूरी दुनिया में आतिथ्य का उत्कृष्टतम उदाहरण प्रस्तुत किया था। प्रयागराज की महिमा के अनुरूप आयोजन को उसी के अनुरूप नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। आज वृक्षारोपण महाकुंभ का आयोजन भी उसी नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। मैं आपको बताऊं कि अक्षय वट को जब सदियों के बाद श्रद्धालुजनों के दर्शन के लिए सौभाग्य अवसर हमें प्राप्त हुआ था कि हम श्रद्धालुजनों के दर्शन के लिए खोले, तो मुझे लगा कि भारत के अंदर त्रेता युग से, सतयुग से, त्रेता से, द्वापर से जिसने अपनी स्वयं के अस्तित्व को विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में बना करके हम सबको हजारों हजार वर्षों की विरासत का स्मरण कराता हो, अक्षय वट आज भी प्रयागराज की धरती पर है। आज के अवसर पर हम लोगों ने एक बात कही है वन विभाग से कि भाई हमारे यहाँ जितने भी 100 वर्ष पुराने पेड़ हो उन सबको हेरिटेज वृक्ष घोषित करते हुए उनके कटान को पूरी तरह निषिद्ध करने की व्यवस्था करिए और प्रदेश की जनता के सामने एक नई प्रतिस्पर्धा खड़ी करिए कि प्रदेश के अंदर कितने हेरिटेज वृक्ष हैं। अक्षय वट में से एक सबसे प्राचीन आप पारिजात का वृक्ष जिसे आप कल्प वृक्ष भी कहते हैं 5000 वर्ष पुराना बाराबंकी में है। ऐसे ही न जाने कितने पुराने पुराने वृक्ष बड़े बड़े पड़े हैं पूरे प्रदेश के अंदर। हमने कभी उसको चिन्हित करने का प्रयास नहीं किया, उन्हें देखने का प्रयास नहीं किया। भाइयों बहनों हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है, आप देखते होंगे देसी आम जिसे बीजू आम आप कहते हैं ये कहीं किसी सार्वजनिक स्थान पर हो, किसी के खेत में हो, हर चलता हुआ राहगीर हर नागरिक उसके स्वाद फल का आनंद ले सकता है। लेकिन कोई व्यक्ति अपने घर में कलमी आम लगाएगा, बसरी आम लगाएगा या फिर तोसा या गौरजीत आम लगाएगा, क्या वो अपने आम को किसी दूसरे को खाने देता है? क्या नहीं खाने देगा, क्योंकि वह उसके लिए व्यवसायिक उपयोग के लिए हो जाता है। लेकिन जब देसी आम होता है तो वह सभी लोग खा लेते हैं, सभी लोग उसका आनंद ले लेते हैं, उसकी छाया में सबको लोग सबको आनंद मिलता है, उसका फल भी कच्चे हो पके हो सारे फल सबको प्राप्त होते हैं। और इसलिए मैं आप सबका आह्वान करूंगा, वन विभाग से भी करूंगा कि जितने पेड़ कट चुके हैं आगे से देसी आम का एक भी पेड़ कटना नहीं चाहिए, इस बात को सुनिश्चित कर लीजिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को हम क्या देना चाहते हैं, एक स्वच्छ पर्यावरण और एक स्वस्थ प्रकृति हम देना चाहते हैं। इन पेड़ों की को संरक्षित हमें करना ही होगा और उसे करने के लिए हम तय करें कि 100 वर्ष पुराने जितने भी वृक्ष हैं हम उन्हें हर हाल में संरक्षित करेंगे। दूसरा हम लोग यह भी तय करेंगे कि प्रदेश के अंदर इस वर्ष 22 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हमने कदम उठाए हैं और हमारा प्रयास होना चाहिए कि अगले वर्ष 25 करोड़ से अधिक वृक्ष हम लोग लगाएंगे और 25 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण के साथ साथ आज एक एक जगह वृक्ष लगने की जो कार्रवाई हो रही है, एक एक जगह हमारी टीम चल रही है, एक पूरा डिजिटल मैपिंग से हम लोगों ने जोड़ा हुआ है।